अमूल्य नींद खराब करके नौटंकी का प्रोग्राम देखने आए हो तो आप लोग अगर शांति की व्यवस्था कायम रखेंगे तो आप लोगों का आनंद ही आनंद आ जाए। हम इतना मजा देव, इतना मजा देव, कितना इतना मजा गठ जाए के जाए। भैया आप लोग खड़ा है, मजा नहीं आ, थोड़ा थोड़ा बैठ जाए, नहीं बैठ पाओ तो थोड़ 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 निहूर जा। तो आप लोग सबसे पहले संगीत का नाम सुनिए, निर्दोष बेटा सौतेली माँ का जोर और शंकर सिंह ठाकुर। अब आप लोग शांति बना के बैठिए, आनंद ही आनंद आएगा मेरे साथियों, नींद आपकी हराम नहीं होगी। साथियों, अब तक तो आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया, अब इस वक्त हम आप सबको अपनी संगीत की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। आप सब हमारी संगीत में देखना क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या होने वाला है। साथियों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ, कालों का काल महाकाल भैरव हमारा नाम है, इधर की दुनिया उधर कर देना साथियों हमारा काम है। इंग्लैंड में एक दिन कालों का काल महाकाल भैरव को लॉर्ड कर्नन ने बुलाया। उसने कहा, कालों का काल महाकाल भैरव, तुझे हिंदुस्तान जाना होगा। मैंने सुना हो कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है और उस सोने की चिड़िया पकड़ करके तुझे मेरे पास लाना है। साथियों, मैंने लॉर्ड कर्नन के सामने बीड़ा खा लिया और हिंदुस्तान चढ़ने के लिए हमने तैयारी कर दिया। जिस समय हिंदुस्तान में पहुंचता हूँ, लोग बागों से मैं जानकारी लेने लगा कि इस हिंदुस्तान में कौन सबसे बड़ा महाराजा कहलाता है। लोग बागों ने हमसे बताया कि इस इलाके के महाराज विक्रमादित्य हैं। इस इलाके का महाराज विक्रमादित्य है, जो कि महाराज बड़े दयालु भी हैं। साथियों, उनका नाम सुनकर के मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके ठीक उनकी हवेली का रास्ता हमने पकड़ लिया। ठीक महाराज विक्रमादित्य की हवेली के गेट पे पहुंच गया। महाराज विक्रमादित्य के हवेली में जिस वक्त पहुंचता हूँ, दहलीवानों से पूछता हूँ, क्या महाराज विक्रमादित्य का महल यही है? उन्होंने कहा, महाराज विक्रमादित्य का महल यही है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? हमने कहा, हम ब्राह्मण आदमी हैं, महाराज विक्रमादित्य से मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे अंदर प्रवेश किया गया, महाराज विक्रमादित्य के चरणों में जाकर के मैं गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मुझे एक रोटी का सहारा दीजिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। महाराज ने मुझसे बोला कि तुम्हारा नाम क्या और तुम रहने वाले कहाँ के हो। मैंने महाराज से बताया कि मेरा नाम कालों का काल महाकाल भैरव नाम है और मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। महाराज इतने बड़े दयालु थे कि अपने महादरबार का महामंत्री बना दिए। महामंत्री बनाने के बाद काफी दिन बीत गया, मैं उसके यहाँ महामंत्री के पद पे था, लेकिन एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था, अचानक मुझे इंग्लैंड की याद आ गई कि लॉर्ड कर्नन ने मुझे कहा था कि काल भैरव तुझे हिंदुस्तान जा करके, हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता है, उसे पकड़ करके तुम्हें मेरे पास लाना होगा। मैं उस मौके की तलाश करने लगा कि कब मौका मिले, किस वक्त मौका मिले, मैं महाराज को इस दुनिया में, उस दुनिया में भेज करके यहाँ का महाराज कहलाऊं मैं। यही मेरे दिल में अरमान खटकने लगा। अचानक एक दिन महाराज ने मुझसे कहा कि कालों का काल महाकाल भैरव, तुझे आज मेरे साथ जंगल चलना होगा, मेरा शिकार खेलने का इरादा बन रहा है। मैंने कहा, महाराज यूं मस्त, मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। महाराज के साथ में मैंने जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। साथियों,
जंगल के जब घने घेर जंगल में जिस वक्त पहुंचता हूं तो मैंने अपने दिमाग में सोचा मौका अच्छा है, लोहा गरम है, काल भैरव क्यों ना हथौड़ा मार दिया जाए। अपनी राइफल में एक गोली डाला और महाराज विक्रमादित्य के सीने में मैंने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद महाराज विक्रमादित्य जमीन पे गिरे और उनकी लाश तड़फड़ा रही है। उन्हीं के गांव को उन्हीं के बगल का उनका खेतों में काम करने वाला एक सामा नाम का आदमी आया। सामा नाम का आदमी जब गोली की आवाज सुना तो खेतों से दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ गया। मेरे पास जब आया उसने कहा, हरामी तूने अच्छा नहीं किया मेरे महाराज का खून करके। काल भैरव तुझे मैं जेल भिजवा दूंगा, तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैंने उससे कहा, सामा तुझे जितनी रकम चाहिए जितनी दौलत चाहिए मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये चीज किसी से जाकर के कहना मत। लेकिन उस हरामजादे ने नहीं माना। जब नहीं माना ना तो उस हरामजादे को इसी बंदूक के बाना से मार मार के बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद उसे ला जाकर काली पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकने के बाद साथियों मैं सीधा महल को चलाया। महाराज तो मर गए लेकिन महाराज अपनी एक निशानी छोड़ करके चले गए। महाराज की एक बेटी है जिसका नाम साथियों लक्ष्मी है। जिस दिन से महाराज का देहांत हुआ उसी दिन से लक्ष्मी मेरे भाई से महल में नहीं रहती, ना मालूम कहाँ रहती है। मैंने सुना है कि शिवपुर में शिव भगवान का मेला बड़ी जोरों से लगा है। उसी मेले में शिव भगवान के मंदिर में जाकर को शिव भगवान की पूजा करती है। अरे हमने कहा कोई हमारे दरबार में है, अरे हमने कहा कोई हमारे दरबार में है भाई। कहाँ था अब तक तू? हम चाय तय पिए गए रहे हुजूर। चाय पीने गया था? ये चाय पीने का वक्त है? हाँ तो सही टाइम हो गया चाय। बेटा मैं बहादुर तुझे मालूम होना चाहिए बे। लक्ष्मी मेरे भाई से अपने महल को छोड़ दी है बे। अच्छा? उसे ये चीज मालूम हो गया कि काल भैरव जब मेरे पिता को मार सकता है तो एक न एक दिन मुझे भी मार सकता है। हम लक्ष्मी के तलाश में चलेंगे, उसका पता लगाएंगे कि लक्ष्मी गई कहाँ, कहाँ रहती है, किस जगह पे रहती है। चल मेरे साथ। चलो। मैं चलता हूँ, चलो। ओ करऊ ब्या को तवाली, करऊ ब्या को तवाली, कौनी कौनी नगरी, करऊ ब्या को तवाली, कौनी कौनी नगरी। ए करऊ ब्या को तवाली, ओ करऊ ब्या को तवाली, कौनी कौनी नगरी, करऊ ब्या को तवाली, बने बैला बो करिया हरे वाहवा। ओ शेर बने बैला बो करिया हरे वाहवा। बो करिया हरा वाहवा, बो करिया हरे वाहवा। बने बैला बोकरिया हरा वाहवा। ए शेर बने बैला बोकरिया हरा वाहवा। ए चिल्हिया के खुंथा में, ओ चिल्हिया के खुंथा
रानी नगरी करौजा कोतवाली कौनी कौनी हो करौजा कोतवाली करौजा कोतवाली कौनी कौनी नगरी करौजा कोतवाली कौनी मूस बने नैया बिलार खेवन हारी ए मूस बने नैया बिलार खेवन हारी ओ बिलार खेवन हारी बिलार खेवन हारी ए मूस बने नैया बिलार खेवन हारी ए सफवा के बिलिया में ओ सफवा के बिलिया में ढक रखवारी कौनी कौनी नगरी करौजा कोतवाली कौनी ओ करौजा कोतवाली करौजा कोता ओ करौजा कोतवाली करौजा कोतवाली कौनी कौनी नगरी करौजा कोतवाली कौनी कौनी ई राम हो इतना मरा मनाई ई मनाई के बीच में हमार बेटवा कल्लानौ होई अब हम आवाज देत ही अगर होई तो बोलबई करे बेटवा कल्लान बोल दीवा कंचोदा सारे के दिखाता हूँ नहीं बा ए सेठ पिछवा ही पिछवा बोलती बा ए औरत की कह की औरत की कटवा फिर कहे कल्लान कल्लान हमारा नाम है बेटवा कल्लान चुप रहा फालतू मूड खराब ना करा तका कही तो का हमार नाम कल्लान है ना ये बेटवा बुढ़ाई दाई का इज्जबनिया लड़बड़ाई जा था हाँ तो देखा बताई देते है फिर से समझ ले कल्लान बेटवा कल्लान हाँ बोला देखा का कहा था तू तो हमार जनता यहाँ कितना बड़ा बा हाँ ज्यादा तही दिल्ली से लेके बम्बई तक बा ये हम कहता ही और का कहा था कितना बड़ा बा हमार कारोबार मतलब हमार कारोबार कितना बड़ा बा कैसे बतावो तुम जनता यहाँ बेटवा हमार नाव का बा हमार काम का बा जाना तही तही तो जनता यहाँ सब जानते ही लेकिन भैया हर तो नहीं जाना तो है हाँ भैया तो नहीं जानता नहीं जाना तो है ना बिल्कुल नहीं जानता है देख हाँ हमारे विषय में हाँ। भैया हरन का बताओ लेकिन सबसे पहले हाँ कुछ बैठका वैठका रखे हा कुसुली ली आई कुसुली हाँ ये का हो था ये बरत देखा था हम बड़े बड़े नेता मंत्री से परेशान हैं कुसुली हो क्या बोला थी तब का कहा था कि कुर्सी हाँ वही 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 कुर्सी कुर्सी बैठ गया का ले जाओ ए सेठ तोहार बनिया बट्टुक जात सब दिन बोरा अच्छा छोड़ बनिया बट्टुक जात तब बोर्रवाई लिया बोर्रवाई का वा बोरा टाट एका नहीं का बोर्रवा बोर्रवा का वा ले जाओ काली आवत है लियाओ बैठ बे बैठा भाई यही ऐसे खड़ा रहता निकला गया था एक बुढ़ाई दा एक शरीर या थक जाता ही ले जाओ बैठी ले आई हाँ, अच्छा ले आवत है
जी आवा। हला ले आवा बैठा। करे हाँ कल्लान बेटा वा बोला का वा कुर्सी या कुर्सी कुर्सी या हाँ लिंगलैंड से मंगाए। कहाँ से लाई आये रे? लिंगलैंड से। लिंगलैंड कहाँ बा? गया इस कहना की रह गया हिंगेन कहीं बैठा तो बताओ जापानी कुर्सी या देख। हाँ ये पता है बैठ के दिखाओ। अच्छा बैठ के दिखाओ तो हम बैठी बैठ जाते। हाँ तो बैठ के दिखाओ। लाला देखा बैठा। अरे रोम हो ए मुनिमुआ का भाव देख बेटा वहां मई बुढ़ाई दा यह पा ना बैठ पाऊ ना बैठ लो ना दूसर ले आई दूसर ले आओ। एस बतावे चाहे ये कहे के सौखीन मनाई यहां बैठ बया। चला ठीक है दूसर ले आओ। दूसर ले के आओ। ठीक है करे कल्याण बेटा वा फिर कहे कल्याण मौका बैठा बैठा कुछ व्यवस्था करे यहाँ। पंचोदा राम तो का दिखाता ही नहीं बा पीछे देखा ता कुर्सी लगी है ई अगवई अगवई फटफटाता हम उसरवई में पिछवा देखा वहाँ रखे है। अरे हाँ अरे चला ईठा चली बैठी। हाँ यहाँ देखा कंचोदर राम के एक कुर्सी बैठा जैसे बनवा हनुमान हो। ए सेठ जी कुछ कहे का? हाँ कहा तो यही यही कि जैसे बनवा हनुमान हो ऐसे बैठा जात है। तो कैसे बैठा जात? बुढ़ा गया सहूर नहीं हो पाए तोरे इतना बड़ा सेठ हा कितना सेठ का डाक गा ऐसे नहीं बैठा जात। तो कैसे बैठा जात? हम आएंगे यह बताओ परी बताओ रह जा। भला भाई। हाँ रे मुनी मामा बहुत आराम मिला रे। अच्छा सेठ जी पहले सराम भाव हुई ना का रे मतलब पहले सराम मिला। हाँ 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 अब आगे बतावा का बात। तब कहे ना कुर्सी का झगड़ा हो ये तो बड़ी समस्या बा। अब जान गया कुर्सी का झगड़ा यही बड़े कुर्सी का झगड़ा होता है इलेक्शन पे इलेक्शन इलेक्शन पे इलेक्शन इलेक्शन पे इलेक्शन। हाँ इलेक्शन पे इलेक्शन होता ही है जाने रे मुनी मामा। हाँ सेठ बोला ये भैया ने से हमारे पर्चे बताओ। भैया बाबू ने से आपको पर्चे बता दे। हाँ। हम देखा सेठ जी आज तक मुहे तोरे कभव नहीं ली। का नहीं ले रे? नमवा अगर कुलिया तेरे मिल जाबे तो ले ले। काले में कोरी यात्रा मेरी नाम सेठ जी नाम समझे। हाँ। आप जब यहाँ मौजूद है भैया बाबू रे के सामने मौजूद है तो आप अपने मुखारबिंद से अपन नाम पता खुद बयान करें। ठीक है मैं बतावा हूँ। ठीक है आप बतावा हम तो जनता ही है। भैया हरे मैं देव नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ रतन लाल है। हाँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। सही है हमारी बॉम्बे में दिल्ली में मद्रास में पूना में अफगानिस्तान तक धंधा हाँ, हाँ, फैला हुआ है। सही है फैक्ट्रियां हैं। हाँ बहुत फैक्ट्री फैली है। और हमारे घर में हमारे एक बेटा है। अच्छा जिसका नाम नारायण है। नारायण है। हाँ और के बा नारायण की माँ। अच्छा जब नारायण पैदा हुआ हाँ 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 बचपन में ही खत्म हो गई मरमराई गई जिनका नाम सावित्री था। अच्छा अच्छा और नारायण बहुत छोटा था नानकेरा सब लोग कहने लगे कि सेठ जी हाँ इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। सही है जब नान की लड़कियां है तो के पाली पोसी। सभी लोगों के कहने पर हाँ मैंने अपनी दूसरी शादी कर ली। ये बात तब और नई सेठानी आ गई। हाँ तब आगे का भा नई सेठानी आ गई है। हाँ जिनका नाम भानमती है। भानमती। हाँ और जब से मैं शादी किया हूँ अभी
अच्छा घर नहीं गया। कहाँ घर है सेठ जी? भानुमती भी सोचती होंगी हाँ कि शादी करके लाए और अभी तक आए नहीं हमारे पास। अरे जीरा जर जा थोड़ी से थाएंगे की जाने मुनि मोह। हाँ। मोर विचार कहत बा का कहत बा चली घरे। अरे हाँ सेठाई से मुलाकात कर बे का। हाँ आज मुलाकात करेंगे। हाँ जब से बिया करे तब से तो लड़ाई में पहुँचा। ठीक है चली फिर। हाँ चली चला चलाओ चली। हाँ। आज मिला मिल बे। हाँ चला मिल लीन जाए। हे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भैया बाबू माई बहनी हरा आप सब मिला न जानत हुए कि हमके यही हमार नाम का बा कहा कराहे वाली यही। सबसे पहले तो ये घरे में नौकर चाकर आए लेकिन कौनों को पता नहीं ना ना जाने महारानी गार्डन कहा जाए मर जाती। आ जाए आज कौनो ई रमुआ महारानी गार्डन का जी कहा गया है आ जा तो बताई हम। चाची तोहार खुरी लागी। खुरी लागा चाची के खुरी लग गया चाची गाय भाई सो गई। चाची गाय भाई जाती ना खुरी लागा तो हम महारानी गाड़ी ये बोले चाही। अरे तो का बोले चाही चाची पाव लागी बोल। भाई चाची हाँ आवा पैरा ला दी। हाँ पैरा ला पैरा ला दे कहाँ था तो कहाँ जाएगी चाची पाव लागी बोल। चाची हाँ तोहार पाव लागी। खुशी रहा बेटवा खुशी रहा जुग जुग जिया और पैसा पावा दारू पिया। बहुत सही आशीर्वाद दे चाची। हाँ। ये बताओ कहाँ रहते हैं? हम हाँ तो हाँ। दिन भर नहीं पता चलते कहाँ रहे हैं? हम तोहार गोबरवा निकारत रहे। हमार गोबरवा गोबरवा हमार कौन गोबरवा रे बोल कौन गोबर निकारत रहे महाराज घर इतना जोर ना मारा कर चाची। तब तो कहाँ मजे 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 ये चाची हाँ सुन सुनाओ जवन तो गैया पांठली आई है। हाँ। जर्सी हरियाणा वाली। हाँ। इतना जोर मरबू हम कब तक मरवाई पाओ। शुद्ध बोलबे तो ना मारब नहीं तब तोर बधी छाट ले फिर। हाय गैया ओ गैया तोहरे गोबरवा पांठ जो लिया है हरियाणा वाली। हाँ। सवेरे दूध तो गरम गरम चापा थी। हाँ तो तै करे तै के थबर यहां घर काम न करबे के करी। तो हम उनका नहवाई थी धोवाई थी उनकर गोबर लेके तो लेके जाई थी मूले पर की घूरे फेंक दे। हाँ ठीक है एक बात ही बताओ। हाँ। जितना जने आए हैं नौटंकी देखे वाले नौटंकी कला के प्रेमी बूढ़े हाँ। बुजुर्ग नौजवान हाँ। हमार माई बहनी हाँ। छोटे छोटे बच्चन हाँ। सबसे पहले हमारे बारे में बता देते हम बताओ दही चाची तोहरे बारे में। हाँ। हे माई बहनिया हरे हे भाई हरे हे बुढ़वा उड़वा हरे इनके बारे में हम बताओ तही क्या कहा इनके बारे में लीक जुआ और चौगोलिया। चौगोलिया यहाँ हम कहा दिया थे हमारे बारे में बता दे कि लीक है जुआ है चौगड़िया है और खटकीरवा एक का छोड़ दे बोल हमारे बारे का मतलब ना हमारे विषय में बता दे रमुआ। ये कहे नहीं कहे बारे में का पता थी नहीं पता थी ना। हाँ हमारे विषय में बता। अच्छा हम विषय में बतावत है चाची। हाँ। ए चाची बोल बेटवा हम यहाँ भैया हरे सामने कैसे ले ही? तब कहाँ ले बे बोल। अरे कहूँ
पलिया तरे में चला धुआं लाई ले धुआं ले बे पलिया तरे में ले बे महारानी गाड़ी पाँव के जूती पाँव में शोभा दे था ना कि सर पे उहाई तो हम कहा क्या हाथ हाँ बोल आप सेठाई नहीं रही हाँ। हम तोहरे कबू नाम ली तोहार नहीं सेठाई चाची माई हाँ हम तोहर नाम ले सकी थी नहीं ऐसी बढ़िया तू अपने उखाड़ दिन से बता उखाड़ नहीं मुखार बिन बोल बैठ जा बैठ ऐसे हम बैठ जाते सम बैठ सम महारानी जाड़ू हाँ तमाई बहनी भैया बाबू हरा छोटे छोटे बच्चे जान ला कि हम के यही कहक रहाई वाली यही हमार नाम काबा हमार नाम भानमती है हम देवर नगरी के रहाई वाली यही भैया बाबू का बताई हमार माई बाप बहुत गरीब रहन गरीबी के कारण हमार माई बाप सोचे कि हम अपने बिटिया का ऐसे जगह शादी करब कि जहाँ हमार बिटिया बहुत खुश रहा कोनो चीज के तकलीफ ही न हो का बताई बहनी हरा हमार माई बाप को कुछ समझ में नहीं आए हमार ब्याह एक बुढ़वा के साथ है कई दिन जेके नाव सेठ रतन लाल है शादी कह दे हमार माई बाप जब हम आए अपने ससुरे तो का बताई सुने लागे कि उस सेठवा के खी बेटवा हुआ है हमार तो किस्मत फूट गई ब्याह के बाद यदि सुहाग रात के दिन हमार मन से दू पता नहीं कहाँ चला गेन सुहाग रात का हम कीमत ही ना जाने आहा जो सेठ के बेटवा उसका नाम नारायण है का बताई माई बहनी भैया बाबू हमार माई बाबू तो शादी कर दे लेकिन हम जैसे नैहरे में रहे वैसे हम ससुरे में यहीं पड़ी का बताई लेकिन अब रहा जो पढ़बई करी और सेठ जी पता नहीं कहाँ गए हैं बैठ के इंतजार करते ही देखिए सेठ जी आवत कि नहीं बैठ जा